कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है बाबी। आप देख रहे हैं ब्रेक टाइम टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम कैसे अपने फोन से ही IRCTC का यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको यूज करके ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमें इस IRCTC यूजर आईडी एंड पासवर्ड का कहां एंड कैसे जरूरत पड़ता है। तो आपको पता होगा इंडिया में कोरोना आने के बाद सारे के सारे ट्रेन का जो टिकट है वो सबको ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑफलाइन टिकट अभी बहुत कम जगह पे मिलता है, तो जो जनरल पीपुल है उनको ऑनलाइन टिकट काटने के लिए पेटीएम, फोनपे, गूगल पे या अमेजन से जो टिकट करते हैं वहाँ पर आपको IRCTC का यूजर आईडी देना पड़ता है, उसको कनेक्ट करके आपका ऑनलाइन टिकट होता है। इसीलिए अगर आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको ये IRCTC का यूजर आईडी बनाना ही पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं अपने फोन से ही हम कैसे IRCTC का यूजर आईडी बना सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग फोन यूज करते हैं। तो IRCTC का यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाना काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से IRCTC रेल कनेक्ट ये जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करना है। ये 13.46 MB का एप्लीकेशन है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन में क्लिक कीजिए, इसको अलाउ कर देना है। नेक्स्ट ये अलर्ट जो है इसको पढ़ के आपको ओके कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड में आपको प्लान माई जर्नी, माई बुकिंग, PNR रिक्वेस्ट ये सब आपको दिखाई देगा। माई बुकिंग में आप जितने भी टिकट बुक किए हो यहाँ पर दिखाई देगा, जो भी आपसे आप टिकट बुक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं PNR इंक्वायरी, मतलब आपका टिकट कंफर्म है या वेटिंग लिस्ट में है, ये सब यहाँ पर PNR इंक्वायरी करके जान सकते हैं। आपका यहाँ पर कैंसिल टिकट में आप करके आपका टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। रिफंड हिस्ट्री में जाके आपका जो अगर रिफंड कोई है कैंसिल होने के बाद अगर रिफंड होने वाला है तो यहाँ पर हिस्ट्री में, रिफंड हिस्ट्री में देख सकते हैं। फाइल TDR मतलब अगर आप एक टिकट कैंसिल किए हो और आपका रिफंड नहीं आया है, इस यहाँ पर जाके आप फाइल TDR कर सकते हैं। तो हमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना है, तो यहाँ पर देखिए माई अकाउंट का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। नेक्स्ट रजिस्टर यूजर का एक ऑप्शन है, रजिस्टर यूजर में क्लिक करके यहाँ पर आपको आपका पर्सनल डिटेल एंटर करना है, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम ऑप्शनल है, लास्ट नेम भी ऑप्शनल है। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी जो कि है इंडियन, सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको एक डालना है, जब भी आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर यहाँ पर डालना है। ऑक्यूपेशन एंड मेरिटल सैलरी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है, तो मैं अभी डाल लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट आपको आपका एड्रेस यहाँ पर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका ईमेल आईडी एंड फोन नंबर में एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पर आके एंटर करना है। तो अभी सबसे पहले हम इसको ओके कर देते हैं एंड जो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया था उसको एंटर करके लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई कैसे होगा, आपका जो मोबाइल नंबर है वहाँ पर एक OTP जाएगा एंड आपका जो ईमेल आईडी है वहाँ पर भी एक OTP जाएगा, उसको आके यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई यूजर में क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको देखिए ये दिखा रहा है आपका कॉन्ग्रेचुलेसन एंड OTP वेरीफिकेशन सक्सेसफुल फॉर द यूजर आईडी। ओके तो ओके पे क्लिक करना है। नेक्स्ट फिर से आपको यहाँ से लॉग इन कर लेना है। यूजर आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा दे दीजिए, उसके बाद लॉग इन पे क्लिक कीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपका लॉग इन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक पिन जनरेट करना पड़ेगा, कोई भी पिन आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको सबमिट कर देना है। तो अभी आपका IRCTC यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, इसको यूज करके आप अभी टिकट बुक भी कर सकते हैं, जैसे कि प्लान माई जर्नी में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका सोर्स स्टेशन एंड डेस्टिनेशन सेंटर एंटर करना पड़ेगा, जैसे कि मैं एंटर करता हूँ। स्टेशन एंटर होने के बाद
आपका डेट चूज करना पड़ेगा जिस डेट पे आप ट्रैवल करना चाहते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर सर्च ट्रेन में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी सारे ट्रेन अवेलेबल होगा वहाँ पर ये दिखाई देगा। यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेन अवेलेबल है तो ये दिखाई दे रहा है। एंड जैसे कि यहाँ पर कोटा और बोगी जैसे कि सेकेंड सीटिंग एंड सीसी जो है आपका चॉइस अनुसार इसको चूज कीजिए। ओके नेक्स्ट यहाँ पर पैसेंजर डिटेल देना पड़ेगा। पैसेंजर डिटेल में क्लिक कीजिए, आई एग्री में क्लिक कीजिए, नेक्स्ट यहाँ पर ओके में क्लिक कर दीजिए। तो सिलेक्ट पैसेंजर में के बाद ऐड न्यू में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपका नेम, एज, जेंडर, नेशनलिटी ये सब ऐड करने के बाद ऐड पैसेंजर में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पैसेंजर का मोबाइल नंबर एंड उसका ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ईमेल आईडी पासवर्ड क्यों जरूरी है, क्योंकि उस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड पे आपका जो कन्फर्म टिकट है वो उस वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको रिजर्वेशन चॉइस ये सब आप चूज करना चाहते हैं तो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डेस्टिनेशन एड्रेस ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर आपका जो एड्रेस है उसको चूज करना है, क्योंकि अभी जो कोविड चल रहा है वहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए ये एड्रेस जरूरी है। तो अभी हम एंटर कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट आपको पेमेंट डिटेल एंटर करना है, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट एंड आप कभी भी पे से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी पे से पेमेंट करेंगे तो आपको कन्वेंस फी 10 रुपीज प्लस आपका जीएसटी लगेगा। एंड अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सबसे पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको कन्वेंस फी जो है वो 15 रुपीज एंड प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस कर सकते हैं, नो अदरवाइज नो कर सकते हैं। नेक्स्ट रिव्यू जॉइन डिटेल में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक कैप्चा आएगा, इसको आपको फिलअप कर देना है। नेक्स्ट आपको प्रोसीड टू पे में क्लिक करना है, इसे यहाँ पर यस कर देना है। नेक्स्ट भीम यूपीआई में क्लिक करना है एंड इसको चूज करके पे में क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यूपीआई में चूज करना है एंड आपका यूपीआई आईडी यहाँ पर ऐड कर देना है। इस तरह से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारा पेमेंट कंफर्म हो चुका है, तो अभी आपको डन कर देना है। तो ये अभी प्रोसेसिंग होगा। देखिए ये अभी आपका जो टिकट है वो कंफर्म हो चुका है। टिकट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड का जो बटन है इसको आप क्लिक कर सकते हैं। टिकट हैज बीन सेव्ड, आपका जो गैलरी है वहां पर आपका टिकट सेव हो चुका है। इसको अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो इस शेयर बटन में क्लिक करके इसको शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी होम बटन में चलते हैं एंड देखते हैं कैंसिल कैसे करना है। कैंसिल करने के लिए सबसे पहले आपको माई बुकिंग में जाना पड़ेगा। माई बुकिंग में जितने भी आपका टिकट बुक हुआ है यहाँ पर ये शो करेगा, तो जो टिकट को आपको कैंसिल करना है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर ये जो 3 डॉट वाला बटन है इसको क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर कैंसिल टिकट में क्लिक करना है। नेक्स्ट जो ट्रैवलर का प्रोफाइल है वहाँ पर क्लिक करना है एंड नीचे जो कैंसिल का बटन है इसको क्लिक कर देना है एंड कंफर्म कर देना है। तो अभी आपका जो टिकट है वो कैंसिल हो चुका है। ओके तो इस तरह से आप अपने फोन से ही IRCTC का यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको यूज करके अपना ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो आगे जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा आप जो मोबाइल फोन में जो ऐप्स होता है जैसे कि पेटीएम होता है, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, इन सब को यूज करके कैसे अपना ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। एंड वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए।